नमस्कार, एमपी न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। मध्य प्रदेश में कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें ग्वालियर चंबल संभाग की, तो वहां पर बाढ़ से हालात बदतर हो चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए भी पहुंच रहे हैं, लेकिन स्थिति पर काबू कब तक पाया जा सकेगा ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हम आपको बताएं कि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी। जीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। जीतू जी, सबसे पहले हमारा आपसे सवाल यही है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जो हालात बने हुए हैं उस पर आप क्या कहेंगे, और दूसरा सवाल ये कि 7 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद वहां का दौरा करने के लिए जाने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? भयावता है। मैं मानता हूँ कि जो लगभग 6 जिलों में ग्वालियर चंबल संभाग के बाढ़ कहीं कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ है, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, कई परिवार के लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है। इस पर एकजुटता से सरकार, सब परिवार के साथियों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए। कमलनाथ जी 7 तारीख को जा रहे हैं, पर दुख वो परिस्थितियों का जायजा तो लेंगे ही और सरकार को सजेशन भी देंगे। मैं मानता हूँ उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको हर संभव जनता की मदद के लिए तैयार रहें और करें जी। तो मैं मानता हूँ कि एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता सरकार के साथ ही साथ में है और काम करेंगे। पर दर्द तब होता है जब स्टैंडबाजी होती है, जब एक फोटू विजुअल आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश होती है। गृह मंत्री ने अभी हमने फुटेज देखे, एक गृह मंत्री ऐसी नाव में सवारी क्यों हुआ जिसमें खतरा था, और फिर फोटू को खिंचवाए जब स्टैंडबाजी आप हेलीकॉप्टर में कर रही है, मेरा दर्द देने वाला विषय है जी। तो ये सब बातें हैं, पर अभी भी कोई बात नहीं, उससे मिलजुल कर उस आपदा से लोगों की कैसे सहायता, उस पर अंतर निर्भर मदद कर 6-6 फूल का भेजान था, 2-3 के अंदर बने हैं, कहीं के भूमि पूजन हो गए हैं, अनावरण अभी हो गए ही और वहां से वो पुल बह गए हैं। यानी ये चेहरा बताता है सरकार के भ्रष्टाचार का, वो चेहरा बताता है शिवराज के शासन प्रबंध का, और यही कारण है कि ये निर्मित हुई। मैं मानता हूँ जनता मीडिया देखती है इनके भ्रष्टाचार और कर्मों को, पीछे के दरवाजे से बैठे हुए लोग हैं, सत्ता हथियार के बैठे हुए सही समय पर सबक सिखाएगी जी। जी जीतू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस नेता जीतू पटवारी। तो वहीं हम आपको बताएं कि दूसरी तरफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं बीजेपी नेता जीतू जिराती, उनसे भी जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है। जीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जीतू जी, ग्वालियर चंबल संभाग में जो हालात बने हुए हैं, लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वहाँ का दौरा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं वहाँ के, पुल टूट रहे हैं, पुल ढह रहे हैं, सड़कें टूट रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? और दूसरा सवाल ये है आपसे कि कांग्रेस ने आप पर आरोप लगाया है, सरकार पर आरोप लगाया है कि घटिया निर्माण के चलते यह सब कुछ हो रहा है, पुल टूट रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मतलब ये इनकी किस तरह की सोच है कि ये प्राकृतिक आपदा है, सबको पता है, अब इसमें निर्माण की बात कर रहे हैं, फिजूल की बातें कर रहे हैं, वहां पूरा करने जा रहे हैं। आप करेंगे क्या? आपकी सरकार थी तब क्या परिस्थिति थी प्रदेश में, आप ये भूल गए क्या? और चलिए वो भी छोड़िए, ये प्राकृतिक प्रकोप है, इसमें कोई सरकार है कोई क्या करेगा? और इतनी विपरीत परिस्थिति में सरकार, पूरा मुख्यमंत्री पूरी निगाहें लगा करके बैठे हुए हैं, पूरे राहत कार्य जारी हैं, केंद्र से माननीय रक्षा मंत्री जी ने हेलीकॉप्टर सेना के भेजे हैं, हमारे गृह मंत्री को कल, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को कल देखा, आप सब लोगों ने पूरे देश में देखा किस तरह से हेलीकॉप्टर से बचाव करके उन्हें उस बाढ़ से निकाला गया जो बचाव कार्य के लिए गए थे। तो ये काम होते हैं, इस तरह के कुछ भी बोल देना, मतलब कुछ भी करना, ये कोई बात होती है क्या? इस विषय पर राजनीति होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इससे अरे अब यही जाने मालिक, भगवान ही मालिक है इन लोगों का। तो जी जीतू जी, हम आपको बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ट्वीट किया है, उसमें घटिया निर्माण की बात कही गई है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी लिखी है कि इस घटिया निर्माण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये अपनी जगह ठीक है, जो भी है, किस तरह की बाढ़ हुई है, किस तरह की पूरा चारों तरफ प्रकोप आप देख रहे हैं, जलमग्न हो चुका है सब कुछ, उसमें अगर कोई ब्रिज टूटा है या कुछ अगर खराब हुआ है तो जांच वाँच को अपना विषय, लेकिन बाढ़ और भीषण इस तरह की, मतलब विभ्रमित करना पब्लिक में, जनता को इस तरह से
भ्रमित करने का काम करना। अरे आप इतने बड़े लीडर हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, दौरा दौरा करिए, अपने लोगों को कहिए, कांग्रेस के मित्रों को कहिए, आपके जनप्रतिनिधियों को कहिए कि भीषण त्रासदी में दलगत राजनीति से उठ करके जिस तरह से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, सहयोग कीजिए लोगों का। ये बात होती है इस मामले में भी, जहां त्रासदी मची हुई है, कभी कोरोना पर वो राजनीति करते हैं, कभी कोविड के मौतों को लेकर के वो राजनीति करते हैं, बीमारियों के अंदर राजनीति करते हैं, प्राकृतिक आपदा होती है उन पर राजनीति करते हैं। थोड़ी समझना भी है कि नहीं इन लोगों में, इनको समझना चाहिए जी। मेरा तो ये मानना है कि कम से कम कुछ विषय ऐसे रहते हैं जिन पर सिर्फ संवेदनशील होना चाहिए, ना कि राजनीति करना चाहिए। जी जीतू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे बीजेपी नेता जीतू जुराती जो हमसे जुड़े हुए थे और तमाम बातचीत कर रहे थे यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। हम आपको बताएं कि ग्वालियर चंबल संभाग में हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपनी बात रखी, बीजेपी ने अपनी बात रखी, हालाँकि कमलनाथ ने जो ट्वीट किया है उसका आगे जाकर क्या कुछ असर होता है, क्या वाकई बीजेपी इस पर पलटवार करती है, ये एक देखने वाली बात होगी। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एमपी न्यूज़।